हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम एनसीईआरटी में अब लगभग क्लास 11 के एनसीईआरटी खत्म करने पर पहुंच चुके हैं, तो आज हम खत्म करेंगे जो अभी तक हम बात कर रहे थे जलवायु भारत में या फिर कोपेन का वर्गीकरण। अब हम चर्चा कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की। वैसे तो टॉपिक इकोलॉजी एनवायरमेंट का माना जाता है, लेकिन क्योंकि 11 क्लास में दिया है तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस टॉपिक का कि हमें भूगोल के अनुसार जलवायु परिवर्तन समझने में एक मदद मिलेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को हमारा दृष्टिकोण वर्तमान परिस्थिति का है, लेकिन आज का टॉपिक आपको जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण कर देखने में बहुत मदद करेगा। और मेरा दावा है कि इस टॉपिक के बाद आप जलवायु परिवर्तन पर अपने विचार परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर एक सिंपल सी बात करें तो ये जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हम सोचते हैं ये प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको बताएगा पुरानी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर अभी तक जलवायु परिवर्तन वाली बातें हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। जिन लाल लालियों ने या जिन लोगों ने अभी तक भी स्पेशल क्लास या डेमो क्लास नहीं लिया है प्लस पर, वो प्लस पर डेमो या स्पेशल क्लास ले सकते हैं। यदि हम एक सिंपल सी बात कहें तो आप लोगों के लिए 1 फरवरी से स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम अनअकैडमी प्लस पर, पीटी पर 100% सिलेक्शन कोर्स के नजर से, जिसमें 100 टॉपिकों को हम कवर कराएंगे। आप लोग हमारे कोर्सेस, जो रिकॉर्डेड कोर्सेस और प्रेजेंट कोर्सेस है, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 1 ईयर या 2 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, और उस सब्सक्रिप्शन का जो एक्चुअल प्राइस है वो 40,000 और 64,000 है। लेकिन अगर आप लोग रिफर कोड यूज करते हैं एमके लाइव तो आपको ये जो कोर्स अवेलेबल होगा 36,000 और 57,600 में। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है उसको सिलेक्ट करने के बाद रिफर कोड यूज करिएगा, और फाइनली आप पेमेंट जैसे करेंगे तो वही से आप 1 साल तक या 2 साल का सब्सक्रिप्शन है तो 2 साल तक सारे क्लासेस को कितनी बार भी देख सकेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोपेन के जलवायु परिवर्तन के बाद जलवायु में जो हम टॉपिक देख रहे थे उसमें जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन सबसे पहले तो जलवायु का मतलब एक लंबे समय से होने वाले मौसमीय घटनाओं का औसत जलवायु कहलाता है। आइए समझते हैं क्या खासियत है जलवायु की। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन यह जलवायु पिछले 10,000 वर्षों से है। पृथ्वी को 450 करोड़ साल हो गए हैं, तो यह जो जलवायु हम फील कर रहे हैं अभी 10,000 साल पुरानी है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया लक्षित होती है। इसका मतलब इस पूरे उतार चढ़ाव में कभी हिमयुग भी आया है कि पूरी पृथ्वी का औसत तापमान बहुत गिरा है, और अंतर हिमयुग का मतलब इन हिमयुगों के बीच में गर्म युग भी रहा है जहां पर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है ये पूरे पृथ्वी के इतिहास में जब से इसकी उत्पत्ति हुई तब से चल रहा है, और जो वर्तमान की जलवायु हम जिसे कहते हैं वो पिछले 10,000 वर्षों का रिकॉर्ड है। भूआकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयां तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने और पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेप उष्ण और शीत युगों के होने को उजागर करते हैं। मतलब जो बर्फ से बनी हुई झीलें हैं यदि उनकी खुदाई की जाए तो हमें उसके नीचे कुछ ऐसे भी अवक्षेप मिलते हैं, निक्षेप मिलते हैं कि यकीन नहीं होता है कि बर्फ के नीचे ऐसी चीजें मिल सकती है जो कि इस बात का प्रमाण है कि वो तो किसी भी उष्ण क्षेत्र में मिलने वाले निक्षेपों के लक्षण होते हैं। इसका मतलब आज जहां हिमानी है वहां पर कभी न कभी उष्णता भी बहुत ज्यादा रही होगी। जैसे कि हम राजस्थान के बारे में बात करें तो जहां आज रेगिस्तान है, हम मानते हैं कि आज से हजारों साल पहले वहां पर रेगिस्तान से जगह पर जंगल हुआ करता था। तो ये जो परिवर्तन है एक तरीके से हमारे
उपनिषदों में भी बड़ा अच्छा वर्णन है कि परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज बदलती है, वो मानव हो, प्रकृति हो या फिर किसी भी प्रकार की जैविक अजैविक वस्तु हो, उसमें परिवर्तन निश्चित ही है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आद्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। इस बात पर गौर करिएगा, आप कई लोगों के मन में सवाल आएगा, इसका मतलब जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, निश्चित ही जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है, लेकिन वर्तमान का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी गति, उसकी दर बढ़ गई है और उसके दर बढ़ने के लिए जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मानव है। मतलब मानव ने उसकी गति बढ़ाने में या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कहें तो आज जो परिवर्तन हो रहे हैं वह प्रकृति के परिवर्तनों से ज्यादा गति से हो रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय है। भारत में आद्र और शुष्क युग, भारत में आद्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोज दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 10000 वर्ष पूर्व, राजस्थान मरुस्थल की जलवायु, राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आद्र और शीतल थी। इसका मतलब यह बताता है कि वहां पर कभी वर्षा बहुत ज्यादा होती थी, वहां पर मतलब कठोरता की जगह पर, मरुस्थल की जगह पर एक शीतल जलवायु होती थी, शीतल जलवायु होती थी। ईसा से 3000 से 1700 वर्ष पूर्व यहां वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से 1700 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था, मतलब जहां आज मर रेगिस्तान है वहां हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई, लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन तथा सिलूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। मतलब अगर 450 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी है तो अगर हम 50 से 30 करोड़ साल पुरानी की बात करें तो पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म थी, विशेषकर इन युगों में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन और सिलूरियन। जैसे कि प्लिस्टोसिन को हम हिमयुग कहते हैं, वैसे ही कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन और सिलूरियन को हम उष्ण युग या गर्म युग भी कह सकते हैं, गर्म युग भी कह सकते हैं। प्लिस्टोसिन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18000 वर्ष पूर्व था, वर्तमान अंतर हिमयुग 10000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इसका मतलब आज से 18000 साल पहले पृथ्वी का औसत तापमान बहुत ही कम था और वहां से फिर जो 10000 वर्ष हो गए पृथ्वी का तापमान निरंतर इसी तापमान के रेंज में रहा है। अभिनव पूर्व काल में जलवायु, आइए देखते हैं आदिकाल, आदिकाल में जलवायु कैसी थी पृथ्वी पर। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। मतलब हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अब जो पिछले कुछ वर्षों से हमारा अनुभव हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जो घटनाएं पहले एक सामान्य होती थी, जैसे कि किसी क्षेत्र में तापमान हम अधिक कहते थे, लेकिन सूखे की ऐसी भयानक स्थिति खास करके राजस्थान के साहेल प्रदेश में 10 वर्षों तक ये इस प्रकार का सूखा कभी नहीं रहा। या फिर हम बात करें तो पिछले 1990 के दशक में बहुत सारी जगह पर जो भयंकर बाढ़ें आई हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पृथ्वी का जो परिवर्तन हो रहा है या पृथ्वी की जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी गति में कहीं ना कहीं बदलाव तो आया है। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहत मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा है। एक बार देख लीजिएगा, इसे धूल का कटोरा है कि धान का कटोरा, क्योंकि मेरे हिसाब से धूल का कटोरा शायद ना हो। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहत मैदानों के दक्षिण पश्चिम भाग में, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज और फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण
आद्र शीत और शुष्क युगों से गुजरा है, मतलब यूरोप में भी कभी चारों ही परिस्थितियां मिली हैं, मतलब कभी वह यूरोप उष्ण जलवायु से रहा है घिरा हुआ, कभी आद्र जलवायु से, कभी शीत जलवायु से, कभी शुष्क युगों से। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशाओं का है, जिसमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे, मतलब इतनी शुष्कता आई कि ग्रीनलैंड तक में लोग जाने के लिए मजबूर हो गए। यूरोप ने सन 1550 से लेकर 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है, मतलब जिस तरीके से 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि हुई और अब तापमान में घटने वाली बात देखी गई 2000 के पहले 90 के पहले। अगर आप एक देख पा रहे हो तो आपको एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसा लगता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है कहीं ये प्राकृतिक घटना तो नहीं है। निश्चित ही बहुत सारी बातें ऐसे समझने के बाद लगेगा कि हाँ ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन इस प्रक्रिया में गति में बदलाव आया है, इस बात में किसी को कोई डाउट या दोराय नहीं है। पूरा वैज्ञानिक जगत ये मानता है कि जो परिवर्तन जिस दर से होते थे आज परिवर्तन उससे ज्यादा दर से हो रहे हैं और उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मानव है। जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो होता है उसके कई कारण हैं। जैसे एक बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरियों का कम ज्यादा होना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एंगल होता है उसका चेंज होना, साथ ही साथ सूर्य पर उठने वाले चुंबकीय तूफान, ये कई बार सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, और इसका सीधा असर ये होता है कि सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारक हैं, इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो चक्रीय और ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने से उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है। यद्यपि खोजे आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता है कि आखिर वह जो काले धब्बे हैं वो वास्तव में किस ओर इंगित कर रहे हैं, किस ओर वह सूचित कर रहे हैं चीजों को। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलेकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। नोट करना इसे, मिलेकोविच दोलन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिलेकोविच दोलन का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एंगल का चेंज होना, झुकाव का चेंज होना, उसके डगमगाहट में बदलाव, जो भी उसके स्थिति में परिवर्तन आते हैं उन सारी बातों को एक साथ कहते हैं मिलेकोविच दोलन। शब्द नोट करिएगा, मिलेकोविच दोलन, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव, मतलब पृथ्वी की जो कक्षीय हैं आज दीर्घ वृत्ताकार है, माना जाता है कि यह दीर्घ वृत्ताकार से पूर्ण वृत्ताकार की ओर भी बदलती रहती है। पृथ्वी की डगमगाहट पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्याताप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्वेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में पैरासोल फेंक देता है, मतलब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बड़ी मात्रा में कई प्रकार के रसायन निकलते हैं। ये पैरासोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य विकिरण को कम कर देते हैं। पैरासोल का मतलब हुआ एक तरीके का कोलाइड विलयन है ये, जिसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल कण, वायु, जलवाष्प सारा मिश्रण, जिससे सूर्य प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में एक तरीके से अवरोध महसूस करती है तो पृथ्वी का तापमान गिरता है। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एलसीओर ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था।
इसीलिए तो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए कुछ ज्वालामुखियों को सक्रिय कर दीजिए। जलवायु पर पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानवद्विनी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है जो वर्तमान में है। इसे भूमंडलीय उष्मन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। ग्रीन हाउस का मतलब एक कांच से बना हुआ, हरे कांच से बना हुआ मकान के जैसे व्यवहार करता है जिसमें सूर्य प्रकाश की किरणें आती है लेकिन आसानी से वह ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पोषण भी करता है किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाले अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसे जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसे कहलाती है। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्रीन हाउस प्रभाव नकारात्मक नहीं है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी का रात का तापमान तेजी से नहीं गिरता। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन की इतनी विविधता संभव है। हाँ, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव का मान मात्रात्मक रूप से बढ़ जाए या ग्रीन हाउस प्रभाव जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ग्रीन हाउस शब्द का सामान्य मान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यूरोप में आज भी जब भी कृषि की जाती है तो ऊष्मा को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। यह है लघु तरंग, यह है लघु तरंग और यह है दीर्घ तरंग। यह है दीर्घ तरंग, तो इनके लिए तो पारदर्शी है कांच लेकिन इनके लिए अपारदर्शी है और इसी कारण से अंदर ऊष्मा बरकरार रहती है। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंग वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाले कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। उसका कारण है क्योंकि कांच ऊष्मा को जाने नहीं दे रहा है। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजे और खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। अच्छा उदाहरण दिया है कि यदि आप गर्मी के समय में ग्लास बंद कर दीजिए गाड़ी के अंदर के तो आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी बाहर की तुलना में, और जाड़ों के दिनों में ठंड के दिनों में वैसा ही अगर आप कांच बंद कर देंगे तो अंदर आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी क्योंकि दीर्घ तरंग देरे को वह जाने से रोक देता है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है, वैसे N2O को हम ज्यादा हानिकारक मानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लेशन के साथ साथ इसमें भी है। वैसे केवल CO2 को छोड़ दो तो ये सारी गैसें ओजोन डिप्लेशन में भी रोल निभाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर एक सिंपल सी बात हम आपसे कहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है क्योंकि वह भी ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जीवन काल नहीं है, इनका जो जीवन काल है बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है CO2 से CO2 में और इसी कारण से हम इसको इतना बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं मानते। तो बड़ा फैक्टर हम CO2 को मानते हैं क्योंकि वही सारा कुछ करेगा। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लेती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को
उबरने में उतना अधिक समय लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों में अवशोषण की क्षमता के साथ साथ उनका जीवन काल भी बहुत बड़ा कारक है। यदि जीवन काल ज्यादा होगा तो वो लंबे समय तक पृथ्वी में गर्मी या उष्णता को संभाल कर रखेंगे और उसका जो मेंटेनेंस या वापस पृथ्वी को उसी रूप में लाने में भी उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब इन ग्रीन हाउस गैसों का जो जीवन काल है वो ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, तेल, गैस एवं कोयले के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, क्योंकि वन जो होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 का अवशोषण करते हैं। तो वन और महासागर दोनों को क्यों? क्योंकि महासागर में भी शैवाले हैं और जितने की जंगल है उससे कई गुना शैवालों का जाल है। तो ये वन और महासागर वास्तव में अवशोषण करने वाले स्रोत हैं या सिंक कहलाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक कहलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक कहलाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड समाहित हो जाता है। अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। तो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन CO2 का अवशोषण नहीं हो रहा है तो उससे भी CO2 बढ़ रहा है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तन से संबंधित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। मतलब आज अगर उत्सर्जन हुआ तो 20-50 वर्षों में वह अवशोषित हो पाता है। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगुना करके किया जाता है। मतलब यदि हम औद्योगीकरण नहीं हुआ था और आज औद्योगीकरण है तो किसी क्षेत्र में अगर हमें प्रयोग करना है तो CO2 की मात्रा को अगर डबल कर दे तो क्या परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर चीजों के परिणाम निकाले जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं, आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर, AC, इन जगहों पर इनका यूज होता था। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती है। केवल CO2 को छोड़ दो, ओजोन भी अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन समताप मंडल में इसका अपना एक अलग महत्व है। ओजोन का सबसे अधिक हास अंटार्कटिक के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हास ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्याटो प्रोटोकॉल। 1997 में क्याटो में ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें कसम ली गई थी पहली बार विकसित देशों के द्वारा कि जिन्होंने औद्योगिक क्रांति से लाभ उठाया है वो CO2 उत्पादन को कम करेंगे और CO2 उत्सर्जन को 2008-10 तक इतना कम कर देंगे कि जितना उनके देश में 1990 में था उससे भी 5% कम, उससे भी 5% कम। इसलिए क्याटो प्रोटोकॉल का अपना एक अलग महत्व है। सन 2005 में प्रभावी हुए इस घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया। 97 में क्याटो प्रोटोकॉल आया, लेकिन जितने देशों ने इस पर साइन करने के बाद ये लागू होता वो 2005 में हुआ। 2005 में सारे देशों ने साइन कर ली जो जिन पर लगने वाला था। क्याटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया कि वे उस सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएंगे। इसका मतलब 1990 के उत्सर्जन का लेवल जो भी था उससे भी 5% की कमी लेकर आएंगे 2012 तक। और ऐसा वादा कौन कर रहे हैं? भारत चीन नहीं, 35 औद्योगिक देश, क्योंकि भारत चीन में तो अभी विकास हुआ पर 1990-1970 से पहले ही विकसित हो चुके देश थे ये 35 औद्योगिक देश, जिसमें कनाडा, अमेरिका और अधिकतर यूरोपियन देश है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता है, तथापि भूमंडल ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को कुप्रभावित कर सकते हैं। हिम टोपियों, हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लवित कर सकता है, मतलब डुबा देगा।
इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का एक और विषय है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसार रहने के लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमान के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। तापमान के उपलब्ध आंकड़े 19वीं शताब्दी के पश्चिम यूरोप के हैं। इस अध्ययन की संदर्भित अवधि 1961 से 80 है। इसके बाद वह बाद की अवधियों की तापमान की असंगतियों का अनुमान 1961-90 की अवधि के औसत तापमान से लगाया गया है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 सेल्सियस है, यह भी नोट करिएगा। पृथ्वी का औसत तापमान 14 सेल्सियस माना जाता है। यह काल श्रेणी 1961-90 के ग्लोब के सामान्य तापमान की तुलना में 1956 से 2000 के दौरान पृथ्वी के धरातल के निकट वार्षिक तापमान में असंगति को दर्शाता है। तापमान में के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ, 1901 से 44 और 1977 से 99। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, मतलब तापमान पृथ्वी का इतने टेम्परेचर से बढ़ गया। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ जो उत्तर गोलार्ध में अधिक चिन्हित होता है। यह शीतलन ज्वालामुखी उद्वेलन के कारण हुआ था जो अभी हमने चर्चाएं की थी। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया था। सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये जो 20वीं शताब्दी मतलब 100 वर्षों का ही सबसे ज्यादा तापमान नहीं था बल्कि पिछले 1000 वर्षों में 1998 सबसे ज्यादा तापमान वाला वर्ष रहा था पृथ्वी के लिए। देखना, हम एक ओवरऑल आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी की नजर से अगर हम इसको देखें तो एक नया दृष्टिकोण नजर में आता है कि निश्चित ही जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जैसे 1998 में सबसे ज्यादा तापमान का मिलना, 1990 में बड़ी बाढ़ों का आना, या फिर सहारा में जो दक्षिण सियोल का क्षेत्र है वहां पर बड़े लंबे समय तक सूखे का गिरना, ये जलवायु परिवर्तन के तीव्र दरों को दर्शाता है। तो इतनी बातें जरूर याद रखिएगा, इसमें इतनी बातें जरूर याद रखिएगा। आइए सवालों को देख लेते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहले ट्राई करिएगा, हम आपकी ज्यादा मदद इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अब आप लोगों ने भी पढ़ा है सारी बातें। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्क है? सभी महीनों में उच्च वर्षा, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 सेल्सियस से अधिक, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि 18 डिग्री सेल्सियस उन्होंने अपने आप में एक नई खोज की थी कि सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, मतलब सबसे कम तापमान वाला महीना भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है अनुभविक, ये बताया था मैंने आप लोगों को कि अनुभविक पद्धति है, अनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त तीन प्रकार की विधियां थी। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन के पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, तो उष्णकटिबंधीय, मानसून प्रकार की, एएम प्रकार की, और ये मैंने बड़े डिटेल में आपको दबावपूर्ण तरीके से बताया था, एएम प्रकार की, एएम प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल रहा है? तो अभी तक पूरे 1000 वर्षों में 1998 को विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। नीचे लिखे गए चार जलवायु समूह में कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? तो बी वाला जो था, जो कोपेन का बी प्रकार की जो जलवायु थी वो आर्द्र शुष्क प्रकार की जलवायु थी। तो अब बात बच गई है ए सी डी ई और ए सी डी एफ। जो एफ है वो ऊंचाई वाले पर्वतों को दर्शाता है, इसलिए एफ में तो आर्द्रता नहीं, शीतलता रहती है,
तो ACDE इन चारों को हमने नाम दिया था कोपेन के अनुसार, आद्र जलवायु, आद्र जलवायु। फिर जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन के द्वारा किन दो जलवायु चरों का प्रयोग किया गया है, वर्गीकरण की जननिक प्रणाली अनुभवी प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि ये कारणों पर निर्भर है और ये अनुभव पर निर्भर है। किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु में। सौर कलंकों में वृद्धि होने पर किस प्रकार जलवायु दशाएं प्रचलित होती है। यदि सौर कलंकों में वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि वहां से ऊष्मा कम मिलती है तो तापमान गिरते हैं। ए और बी प्रकार की जलवायुओं की जलवायु दशाओं की तुलना करें। सी और ए प्रकार के जलवायु में आप किस प्रकार की वनस्पति पाएंगे और ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची तैयार करें। निश्चित ही अच्छा टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है आपके माइंड सेट में, आंसर राइटिंग में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि आज आपको एक नई बात समझ में जो आई होगी वो सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है, लेकिन वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं वो मानवीय कारकों के कारण तीव्र हो गए हैं। 1 फरवरी से हमारा जो नया प्रोग्राम स्टार्ट